जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने जिला अस्पताल में दिव्यांगजनों के लिए बनाए जाने वाले प्रमाण पत्र वार्ड का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी व नोडल अधिकारी दिव्यांग बोर्ड अनिल कुमार सिंह ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से बनाया जाता है, जिसका शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने किया है। स्वावलंबन पोर्टल पर प्रतिदिन 200 लोग अप्लाई करते हैं, जिनकी सुविधा के लिए हर गुरुवार को कैंप लगाया जाता है, उसको बढ़ाकर सोमवार व गुरुवार कर दिया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रमाण पत्र बन सके। उन्होंने कहा, एक दिन में 200 लोगों का जांच करके प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी व नोडल अधिकारी दिव्यांग बोर्ड अनिल कुमार सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, नोडल अधिकारी दिव्यांग जन कल्याण बोर्ड। दिव्यांगजनों के लिए ओपीडी का शुभारंभ किया गया। हाँ, ये दिव्यांगजनों का दिव्यांग प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से बनाया जाता है, उसका आज जो है हमारे आदरणीय अपर जिला न्यायाधीश ने शुभारंभ किया है आज। और ये हमारे स्वावलंबन पोर्टल पर गोरखपुर जनपद में प्रतिदिन करीब 100 से 125 लोग अप्लाई करते हैं, उनकी सुविधा के लिए हम लोग जो बोर्ड प्रति बृहस्पतिवार को हर हफ्ते में होता था, उसको अब सोमवार और बृहस्पतिवार दो दिन कर दिए हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निस्तारण किया जा सके। तो इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शीघ्र से शीघ्र प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएँ। एक दिन में करीब 200 लोगों का, कभी कभी 250 लोगों का प्रमाण पत्र के लिए वेरिफिकेशन हो जाता है, डॉक्टर द्वारा उनका परीक्षण हो जाता है, और उतने ही लोगों का करीब जो है ऑनलाइन कर दिया जाता है प्रमाण पत्र। ये ओपीडी में जो शुभारंभ किया गया, जो ऐसे व्यक्ति जो शरीर से अपंग है, निसहाय है, उनको एक तरह से जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए शासन की तरफ से, वो उपलब्ध कराए जाने का एक छोटा सा प्रयास है।